अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग गुड। हम आजकल नरेशन पढ़ रहे हैं, और नरेशन में थोड़ा सा हम पहले रीकैप करेंगे प्रीवियस नॉलेज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारे पास जो है वो कौन से टाइप है। तो एक तो ऑलरेडी जो टाइप हम पढ़ चुके हैं वो है टाइप टू ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी अगेन के इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इसमें इंक्लूडेड थी। देखिए, इस टेंस के अंदर हमने ये पढ़ा था, इस टाइप के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनको आप यस या नो में आंसर नहीं कर सकते, तो उनको हम जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम दैट नहीं लाते, ना वेदर या इफ लाते हैं, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस में ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसा वर्ड मौजूद होता है, जैसे वाई है या वेयर है या व्हाट है या व्हेन है या हाउ है। इस तरह के क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके पास ऐसा कोई वर्ड मौजूद होता है, तो उस वर्ड की प्रेजेंस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम दैट या इस तरह का कोई वर्ड बाहर से लेके आए। पहली बात तो ये। बाकी मैक्सिमम रूल्स वही हैं जो हमने पीछे पीछे वाली टाइप्स में पढ़े हैं। आई होप के वो जो है आपको याद होंगे, अगर नहीं भी याद तो मैं साथ साथ आपको रिकॉल करवाता रहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई आर यू लेट टुडे, एंड लुक एट द कन्वर्टेड पार्ट, वाई देवर लेट दैट डे। लाइकवाइज वेयर आर यू गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। नाउ कंपेयर बोथ ऑफ देम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। तो ये हम पहले सारा पढ़ चुके हैं। फिर देखें वाट आर यू डूइंग, वाट शी वॉज डूइंग। तो ये कन्वर्जन जो है वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक की थी। इसी तरह ये आखिरी सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। सो इसी तरह हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी देखा था और हमने पढ़ा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश, डिजायर, प्रे वगैरह का यूज होता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस था एक, द टीचर सेड मे यू लिव लॉन्ग, एंड आई टोल्ड यू इन वेरी एक्सप्लिसिट वे कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं हमेशा जब हम इनको पास्ट में ले जाते हैं तो इनकी पास्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे मे की पास्ट फॉर्म माइट है, कैन की, कुड है, शेल की, शुड है, विल की, वुड है। ये सारे मॉडल वर्ब्स अपनी कोई ना कोई पास्ट फॉर्म बहरहाल रखते हैं, तो मे की माइट हमने यहाँ यूज कर ली। और जब हम प्रे की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मे ही एक मॉडल वर्ब होता है जो यूज होता है, मे यू लिव लॉन्ग फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। तो हाँ, एक और चीज जो मैंने अगेन एंड अगेन आपको इशारा दिलाया जिसकी तरफ, वो ये था कि आपने इसका ऑर्डर चेंज करना नहीं भूलना। लाइक यहाँ मे यू लिखा हुआ है, नीचे यू मे आ जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है यू मे चेंज हो जाएगा, तो यू किस में चेंज हो गया, आई में, और मे किस में चेंज हो गया, माइट में। ऑर्डर एनीवेज हमने चेंज करना है। इसी तरह इस सेंटेंस में भी हुआ। तो ये हमारी कल के लेक्चर्स थे जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ तक हम जो है वो बात कर चुके थे, ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आई सेड टू हिम यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, आई विश श्योर दैट ही माइट बी हैप्पी इन हिज लाइफ। ऑलराइट, नाउ माय डियर, आवर टुडेज टॉपिक इज इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि इम्पैरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो होते क्या हैं। इट इज़ बिकॉज दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपका जो एम सी क्यूज का पोर्शन होगा, उस एम सी क्यूज के पोर्शन के अंदर इट इज़ एक्सपेक्टेड के एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिससे वो जिसमें वो आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ ले। कोई भी सेंटेंस देकर
वो आपको पूछ सकता है कि जो पास्ट पेपर में आता भी रहा है कि ये कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो उस सूरत में आपको क्या करना होता है, सही टाइप को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने शुरू से देखा कि हमने पहली टाइप पढ़ी थी असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो तमाम सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, जिसमें कोई बहुत हर हर वो सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो असर्टिव है, जिसमें कोई भी बात आप किसी को कर रहे हैं वो असर्टिव है। दूसरी टाइप जो हमने पढ़ी वो इंट्रोगेटिव थी। इंट्रोगेटिव मैंने कहा था आपको दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें यस और नो का होता है और जिसमें यस और नो नहीं होता। फिर हमने ऑप्टेटिव पढ़ा, जिसमें दुआ वगैरह है, कोई सजेशन वगैरह है, इस तरह के ऑप्टेटिव। और जो आज का हमारा है टॉपिक वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन है। कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, लेट मी रिपीट अगेन। सबसे पहली चीज जो है वो कमांड है, ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कोई कलर दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं। दूसरी चीज क्या है, रिक्वेस्ट है, इसको भी यही कलर दे देते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या है, एडवाइस है, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड देन सजेशन है, जो कि अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो चार चीजें आ गई। अच्छा, चलिए इन चारों को फर्दन फर्दन वन बाय वन समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, इसमें कहा गया है कि ओपन द डोर, तो सीधी सीधी इसमें कमांड है। अच्छा, अगर ये वर्ड आ जाए प्लीज, तो जाहिर है कि इट इज रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी। और तीसरा देखें, क्विट स्मोकिंग, तो एडवाइस है, क्विट स्मोकिंग। डू नॉट मेक अ नॉइस, तो ये अगेन पहले की तरह कमांड है। अच्छा, एक चीज जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं ओपन द डोर, तो ओपन द डोर हो सकता है कि किसी ने किसी को रिक्वेस्ट की हो ओपन द डोर। तो उसको आपने इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं उसमें इस तरह का कोई ना कोई वर्ड जरूर होता है, जैसे मैंने कहा कि प्लीज हेल्प मी, राइट, और उधर कोई इस तरह का वर्ड नहीं होता। कमांड जब हम किसी को देते हैं इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता। और एडवाइस का कैसे पता लगता है, एडवाइस का पता ऐसे लगता है कि वो सेंटेंस की नेचर ऐसी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ वर्क हार्ड, तो इट इज एडवाइस, राइट, इट इज अ सजेशन एज वेल, एडवाइस। तो ये जो है वो सारा, या एग्जैक्टली, मूव आउट ऑफ माई वे इज ऑल्सो इम्पेरेटिव बिकॉज इट इज कमांड, इट इज कमांड, ऑर्डर, ऑलराइट। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप साइमल्टेनियसली दो चीजों को फोकस कर रहे हैं, एक तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस को समझना फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू पार्ट, एंड सेकेंडली जो आप चीज समझ रहे हैं वो है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसकी इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर। आई होप सो फॉर आई एम क्लियर। नाउ आई शेल टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट इन टू इनडायरेक्ट। लुक एट दिस सेंटेंस, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। पहली चीज जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप ये फैसला करेंगे कि जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, फाइन। तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद सेट को रिक्वेस्ट में बदल देना, राइट, बिकॉज इट इज रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अच्छा, एक और चीज जो नोटिसेबल है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी दैट, व्हाट, विच, व्हेन, वेदर, इफ, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसको हमने ज्वाइन करना है थोड़ा डिफरेंट तरीके से, राइट। वो तरीका क्या है आप नोटिस कीजिए, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, मी हर में बदल गया इस शी की वजह से,
शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है हर होती है. राइट, टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम. एवरीबडी नोज दैट दिस इज यू नो एडवाइस. सो टीचर एडवाइज्ड, इसके स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक नहीं करनी. टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम. अच्छा, एक तो इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, इसको एक और तरह भी चेंज कर सकते हैं. एक और तरीका इसका ये है कि आप फॉरबिड लिखिए. एक वर्ड होता है मना करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मना करना. तो मना करना को इंग्लिश में फॉरबिड कहते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टीचर ने मुझे टाइम वेस्ट करने से मना कर दिया, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ. लुक एट दिस, टीचर फॉरबिड मी टू वेस्ट टाइम. अब स्टूडेंट यहाँ गलती ये करते हैं कि वो लिखते हैं टीचर फॉरबिड मी नॉट टू वेस्ट टाइम. यहाँ यानी वो नॉट लगा देते हैं, नॉट टू वेस्ट टाइम. दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज इसका मतलब ये बन जाएगा कि टीचर ने मुझे टाइम वेस्ट करने से, टाइम ना वेस्ट करने से मना कर दिया. टाइम ना वेस्ट करने से मना कर दिया, यानी टाइम वेस्ट करो, इसका ये मतलब बन जाएगा. तो फॉरबिड का मतलब खुद मना करना होता है, इसलिए नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती, निगेशन हो जाती है. ये उर्दू में ऐसे ही है, जैसे हम ये कहते हैं कि मैं खुदा से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ. तो नेक मतलूब और चाहना एक ही वर्ड है. यू माइट हैव लर्न दिस इन योर उर्दू क्लास. सो इट इज़ इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी. व्हेन यू रिपीट समथिंग which keeps same meaning, it is called redundancy. We are not supposed to repeat the things that are unnecessary, right? Okay, I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा forbid के concept का concept. अच्छा, आगे देखिए. My friend said to me, please lend me your camera. Okay, request है. याद रखिए, जब आप request करते हैं तो please word खत्म हो जाता है, फिर आप प्लीज वर्ड यूज नहीं करते दोबारा. नोटिस कीजिएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई कैमरा. तो इसके अंदर हमने वर्ड प्लीज रिमूव करके उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया. दरअसल जब हम सेट की जगह रिक्वेस्टेड ले आते हैं तो वो प्लीज के मीनिंग्स इस रिक्वेस्ट के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्लीज की जरूरत ही नहीं रहती. सो नाउ द सेंटेंस वुड बी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई कैमरा. यहाँ योर कैमरा है, इसको हमने माई कैमरा में बदल देना, क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है ना. अच्छा, यहाँ देखिए, ये सजेशन है. अली सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक बिकॉज इट हैज बीन सजेस्टेड टू अली. सो सजेशन, सो लेट्स चेंज दिस वन. इट वुड बी लाइक Ali suggested that we should go for a walk. Remember, whenever you use word suggested, you bring should when it comes to indirect sentence. Never forget. This is must remembered thing. I would rather highlight it. मैं इसको कोई different shade देना चाहूँगा, इसलिए कि आप इस चीज़ को याद रखें कि इसकी इंपॉर्टेंस है. बिकॉज स्टूडेंट जब सजेशन आती है पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे चेंज करें, तो हम क्या करते हैं, शुड खुद से ले आते हैं. क्यों लाते हैं, इस सजेस्टेड की वजह से. और जब भी आप रिपोर्टिंग स्पीच में सेट को कन्वर्ट करके सजेस्टेड लिखेंगे, आप दूसरी पार्ट के अंदर शुड लाजमी लाएंगे. अली सजेस्टेड दैट, बल्कि यहां वी नहीं आना चाहिए, यहां दे आना चाहिए. अली सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक. ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, विच आई बिलीव कि मैं काफी हद तक कामयाब हुआ हूं आप तक पहुंचाने में.